दोस्तों नमस्कार, वंस अगेन मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूँ अपने इस वेबसाइट पे जिसका नाम है mentorsadda.com। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्पैन के बारे में, व्हाट इज स्पैन। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ क्लियर कि रियली यदि आप ये समझ लो कि यदि आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं एक बढ़िया, और यदि आपको स्पैन के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छा डिजाइनर नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके अंदर, HTML में। मेरे कई सारे दोस्त मुझे कमेंट करते रहते हैं कि सर ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, उसको सीखना है, प्लीज़ सिखाओ। और फ्रेंड्स मैं बताऊं कि मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चाहता हूं, और आज तक मैंने क्यों नहीं डाला था उसको, यूज किया था या ड्रॉप डाउन मेन्यू क्यों नहीं बताया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर मैं स्पैन को यूज करना चाहता था। इसलिए आज हम बात करेंगे स्पैन की, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू या सब मेन्यू दोनों बनाना सिखाऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक बेसिक एक स्ट्रक्चर खोलता हूँ जो हम बना के मैं हमेशा चलता हूँ, और इसी कोडिंग भी ओपन कर लेता हूँ साइड बाय साइड। देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, सिंपल मैंने एक डिव यूज किया है, ये जो येलो लाइन है इसके नीचे मैंने एक इमेज लिया है लोगो, इसके लिए मैंने एक हेडिंग टू H2 लिया हुआ है, दैट्स इट, और भी कुछ भी नहीं इसके अंदर में। और ये मेरी कोडिंग, हम देखते हैं स्पैन। सबसे पहले मैं इसमें एक कोई भी एक पैराग्राफ में लेकर चलता हूँ, लिखता हूँ आपको स्पैन की इंपॉर्टेंस बताने के लिए। मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया, और मैं इसके अंदर में लिखता हूँ कुछ भी, हाय दिस इज ट्रेनिंग ऑफ राइट स्पैन। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं थोड़ा सा कॉपी कर देता हूँ ढेर सारा, जिससे कि मेरे थ्रू लाइन ज़्यादा हो जाए, राइट। तो मैंने ये कॉपी कर दिया और देखते हैं क्या नज़र आता है। सिंपल एक पैराग्राफ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मान लेता हूँ इस पैराग्राफ के अंदर में ये जो यहाँ पे स्पैन है, राइट, इस वाले स्पैन को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सिंपल से इसके पहले मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ स्पैन टैग स्पैन, राइट। ध्यान देना आप मुझे डिज़ाइन किसको करना है, किसी पर्टिकुलर लाइन को, चलो मान लो स्पैन हाई दिस इज यहाँ तक मुझे लेना है, तो मैं वहाँ तक स्पैन की क्लोजिंग वहाँ कर दिया, मतलब इस स्पैन से यहाँ स्टार्ट हुआ यहाँ बंद हुआ, इसके बीच में जो टेक्स्ट है इस पे यहाँ पर मैं कुछ भी स्टाइल कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ पे स्पैन लिखा, स्पैन लिखने के बाद में CSS में आते हैं, और CSS में देता हूँ कि जो स्पैन हो मेरा, उस स्पैन की जो स्टाइलिंग मैंने किया यहाँ पे, मैंने कहा कि पहले तो फॉन्ट साइज इसका बढ़ाना है मुझे, मैंने इसका लिखा फॉन्ट राइट साइज, मैंने कहा 20 पिक्सल कर दो पहले, राइट। इसके बाद मैंने कहा कि जो इसका कलर है उस कलर को भी आप कर दो, मान लेते हैं इसमें ये एक्वा ले लें, नहीं चलिए एक समथिंग एक कलर है इसको ले लेता हूँ, ये कलर हो गया। इसके बाद मैंने कहा कि इसको आप अंडरलाइन, चलो इतना ही करके देखते हैं पहले। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, राइट, नहीं रिफ्रेश करने के पहले इसको भी सेव करना जरूरी है, मैंने इसको कंट्रोल को भी सेव किया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पैन इतना एरिया कैसा हाईलाइट हो गया। इसको मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ क्योंकि कलर ये सूट नहीं कर रहा, आई होप, राइट। कलर को मैं करता हूँ यहाँ पे गोल्ड, ये भी सूट नहीं कर रहा। कलर को मैं यहाँ करता हूँ चलिए रेड, ठीक है, रेड करके मैं इसको देखता हूँ, आप देख सकते हैं स्पैन हाई दिस इज। तो जिस पार्ट को मैंने स्पैन से कवर किया था, यानी किसी भी वेबसाइट के अंदर किसी पर्टिकुलर एक कैरेक्टर से लेके एक वर्ड से एक लाइन से लेके एक पैराग्राफ में बीच में कहीं कुछ भी करना हो तो आप वहाँ पे स्पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा हाय, हाय के बाद मैं यहाँ पे एक स्माइली देना चाहता हूँ, तो मैं एक इमेज यूज करता हूँ, लेकिन इमेज कैसे यूज करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा स्पैन, राइट। स्पैन के अंदर में मैंने यहाँ पर लिखा IMG टैग लिया, फिर इसके अंदर यानी इमेज टैग, हमने कहा कि भाई ये सोर्स एक इमेज, सॉरी एक इमेज सोर्स एक ले लो आप, सोर्स क्या लोगे, मैंने कहा एक स्माइल डॉट PNG, ये मेरे मैंने एक ऑलरेडी पहले से यहाँ पे रखा हुआ था, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये मेरा फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर में आप देखेंगे तो ऐसे स्माइल डॉट PNG में पहले से एक इमेज रखा हुआ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसा ड्रॉप डाउन पहले भी बनाऊंगा कि आप कैसे एक इमेज सेलेक्ट करते हैं अपने वेबसाइट के लिए, ओके। तो मैंने यहाँ पे स्माइल डॉट PNG किया, स्पैन किया, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्माइली आ गया। अभी ऑब्वियस साइज बड़ा है तो साइज बड़ा है, जिसको हम साइज वाला टैग यूज करके छोटा भी कर सकते हैं, मैंने इसको दिया विड्थ, राइट, मैंने इसको विड्थ दिया, एक मिनट, मैंने इसको विड्थ दिया, क्या दे दिया मैंने, दिया मान लीजिए इसको 18 पिक्सल देता हूँ, 18 पिक्सल मैंने इसको विड्थ दिया,
वैसे बड़ा होगा वेटिन में भी। हाँ अब देख सकते हैं हाई के बाद स्माइली आ गया। तो इस तरह से स्पैन का इस्तेमाल करके किसी लाइन किसी टैग कहीं भी आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इनलाइन टैग है। इनलाइन टैग और ब्लॉक टैग यानी कि इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट में क्या अंतर है, वैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, राइट। कई बार देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पैन टैग एंड डिफ टैग, क्योंकि डिव को भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार इसको डिलीट करके बताता हूँ अगेन जीरो से फिर से। देखिए स्पैन डिव में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है कि स्पैन टैग को हम ज़्यादातर यूज करते हैं इनलाइन यानी किसी पर्टिकुलर पार्ट को डिजाइन या स्टाइल करने के लिए, जबकि डिव टैग को हम यूज करते हैं पर्टिकुलर एक ब्लॉक एक डिवीजन को यूज करने के लिए, बंच ऑफ कोड्स को यूज करने के लिए। बंच ऑफ कोड्स हम बेसिकली इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं स्पैन में, राइट। लेकिन स्पैन एक पर्टिकुलर खास चीज़ों के लिए, मैं एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा स्पैन अगेन, राइट, स्पैन क्लोज है, दिस इज अखिलेश फ्रॉम मेंटर्स अड्डा, राइट। मैंने लिख के कंट्रोल से मैंने इसको सेव किया, मैंने आके यहाँ पर रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं ये एक लाइन आ गया। इस लाइन के बाद में मैं इसी कोड को मैं रिपीट करता हूँ, कितनी बार, दो बार, दो बार रिपीट करता हूँ। साथ में मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड इसका दे रहा हूँ, बैकग्राउंड जिससे कि स्पैन, यस, जिससे कि थोड़ा सा आपको मैं क्लियर बता सकूँ कि अंतर क्या है बेसिकली डिव और स्पैन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे दिया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे दे दिया मान लीजिए गोल्ड, राइट, गोल्ड कलर के एक बैकग्राउंड दिया मैंने, कंट्रोल से सेव किया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अपने इस वाले पार्ट को भी सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बार आ गया वही चीज़ और एक ही लाइन में लगातार। सेम यदि मैं यही चीज़ मैं डिव के साथ करूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, मैंने यहाँ पे दो बार पेस्ट किया अगेन, बस अंतर क्या कि मैंने इस बार यहाँ पे क्या कर दिया, डिव, राइट, डिव। यानी कि सेम लाइन मैंने दो बार लिखा स्पैन के अंदर और सेम लाइन मैंने दो बार किसके अंदर लिखा, डिव के अंदर। तो आप देख सकते हैं, मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं जब मैंने दो बार लिखा था स्पैन के अंदर, दोनों एक के बाद एक आ गया क्योंकि इनलाइन टैग है, इसमें कोई स्पेस या कोई लाइन ब्रेक यूज नहीं होता। जबकि डिव के अंदर देखिए वही दोनों अलग अलग लाइन में आया, क्योंकि डिव का नेचर क्या होता है कि जहां डिव स्टार्ट होती है उसके पहले एक लाइन ब्रेक यानी बीआर ऑटोमेटिक लगा देता है, और जहां एंड होती है मतलब यहां पे भी एक एंड लगा देता है, क्या, लाइन ब्रेक, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप देखें कि ये दोनों अलग अलग लाइन में आया। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आप इस पेन को यूज कर सकते हैं इस तरह से, कहीं भी आप किसी भी लाइन किसी पैराग्राफ में कोई इमेज लगा सकते हैं, कोई फोटो लगा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर स्टाइलिंग दे सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि यस, मैं इसको डिलीट करता हूँ अगेन, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग लाइन के पहले वाले कैरेक्टर को बड़ा करना चाहते हैं, राइट। आपने कोई पैराग्राफ लिखा, मैं इसको कंट्रोल एस सेवन पेस्ट करके सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया। अब बहुत लोग क्या होते हैं कि जैसे हाई में से एच को सिर्फ बड़ा करना है, राइट, तो मैंने क्या किया, इस स्पैन को सिर्फ यहीं पे क्लोज कर दिया मैंने, राइट, ए मैंने इस हाई के बाद हाई भी नहीं बल्कि मैं बोलूँगा कि एच को सिर्फ करता हूँ, ओके, ये मैंने स्पैन को यहीं क्लोज कर दिया और नीचे जो क्लोजिंग है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने पी बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ ही मानता है सॉफ्टवेयर या ब्राउजर, सो मैंने वहाँ पी नहीं लगाया। आप देख सकते हैं सिर्फ एच को स्टाइल किया गया है। यदि मैं आई इसको मैं ठीक से यदि मैं डिजाइन करूँ तो आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर रिमूव करता हूँ मैं, कंट्रोल से मैंने सेव किया, स्टाइल के अंदर मैंने जाके मैंने क्या किया कि इसका बैकग्राउंड कलर पहले रिमूव किया, राइट, इसका कलर भी मैं कुछ रिमूव कर देता हूँ, फॉन्ट साइज सिर्फ ये हो गया, ओके, और बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर देते हैं फॉन्ट वेट, बोल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर दिया फॉन्ट वेट मैंने दे दिया मान लीजिए 500 पिक्सल, कुछ भी दे दीजिए आप, मैंने कुछ दे दिया, राइट, कंट्रोल एस, यदि मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ एच बड़ा हुआ है। यदि मैं यहाँ पर 40 कर दूँ, कभी कभी आपने देखा होगा तो इस तरह से पैराग्राफ देखा होगा कि पहला करेक्टर बड़ा होता है, बोल्ड होता है, उसके बाद वाले स्मॉल होते हैं। तो बेसिकली इसको हम कर सकते हैं स्पैन के थ्रू। तो उम्मीद आपको परफेक्ट समझ में आ गया कि स्पैन क्या होता है और बेसिक डिफरेंस क्या होती है डिव से, कि डिव से ये एक इनलाइन एलिमेंट होने की वजह से इसको हम किसी एक वर्ड एक करेक्टर कहीं पार्ट में पूरे यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं इस्तेमाल करना आपको सिखाऊंगा किस में, नेक्स्ट मेनू के अंदर में, जो ड्रॉप डाउन मेनू में मैं अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर में।
ओके फ्रेंड्स, सी यू देन, टिल देन बाय बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच, बट वंस अगेन सब्सक्राइब जरूर करिए यूट्यूब को और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स को फेसबुक के ऊपर में. ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.